फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने घर अपने मम्मी के यहाँ। ये देख सकते हैं इधर मेरे फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे बन रहा है सूप। और अभी शाम का टाइम हो गया, शाम को 4 बज रहे हैं। और इधर ये मेरी दीदी हैं जो बेंगलुरु में रहती हैं, और वो सूप भूख न कर पाए। तो आप सब कैसे हैं? अभी मैं अपनी बहनों से मिलाती हूँ आप सबको, और दिखाती हूँ अपने घर का थोड़ा बैकग्राउंड। मेरे घर में कितने बगीचे हैं, आम है, सब कुछ है। तो एक साथ फ्रेंड मैं आ गई हूँ अपने बगिया में। अभी अभी लाइट चली गई, तो सब लोग अभी मैं आई हूँ, अभी धीरे धीरे सब लोग निकल के आएंगे। और ये देखिए ये पके पके। फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने घर अपने मम्मी के यहाँ। ये देख सकते हैं इधर मेरी माता श्री बैठी हुई हैं, मोबाइल निकाल रही हैं। और ये शिवांश आ गया। हाँ बेटा क्या हुआ, कहाँ आए हो शिवांश? तो फ्रेंड हम आ गए हैं घर पे। तो अभी मैं कपड़े उपड़े बदल लेती हूँ, उसके बाद अभी मिलती हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि साड़ी में घुटन सी हो रही है। माइकी आ गई हूँ, थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा, तो थोड़ा चेंज करके फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने कपड़े उपड़े चेंज कर लिया था, और अभी रात का टाइम हो गया है, और अभी खाना बन रहा है। मैं आई थी तो थोड़ा सा खाना खा ली थी, भूख लगी थी उस टाइम पे। अभी रात को 8:30 बज रहे हैं, और अभी फिर से खाना बन रहा है, तो अभी खाऊंगी। कटहल की सब्ज़ी आई थी तो खाई थी, अभी लौकी की सब्ज़ी बन रही है और रोटी बनेगी। सब लोग बैठे हैं यहीं पे, और सिवा बहुत सारे लोग हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम 3 बहन हैं, अभी 2 जन नहीं आ पाए हैं, तो सब लोग इकट्ठा हैं, सबके बच्चे हैं। ये गुन्नू है, शिवांश है, सब लोग हैं। तो चलिए मैं वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए अभी हम लोग खाना पीना खा लेते हैं, अभी रात हो गई है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो अभी आज है दूसरा दिन, और मैं नहा धो ली हूँ। अभी दोपहर के बज रहे हैं 11:30, और खाना एक बार बन गया है। दाल चावल रोटी सब्जी सबने खा लिया, और सबकी डिमांड थी पनीर बनाने की। तो अभी मेरी ड्यूटी लग गई है, मैं बैठ गई किचन में। तो अब मैं जा रही हूँ पनीर बनाने। तो पनीर कुछ थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ, उसकी रेसिपी शायद ना डाल पाऊँ क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, शायद कोई सूट ना कर पाए। तो आप सब कैसे हैं? अभी मैं अपनी बहनों से मिलाती हूँ आप सबको, और दिखाती हूँ अपने घर का थोड़ा बैकग्राउंड। मेरे घर में कितने बगीचे हैं, आम है, सब कुछ है। तो एक्साइटेड रहिएगा हमारा घर का देखने के लिए, और अपना होम टूर भी मैं दूसरी वीडियो में डालूँगी। तो चलिए मैं फटाफट इसको बना लेती हूँ, फिर अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। शिवांश अभी सो गया है, और उसके पापा नहीं आए हैं, के पापा घर पे ही हैं। तो चलिए मैं फटाफट अभी मिलती हूँ। फ्रेंड मैं आ गई हूँ अपने बगिया में। अभी अभी लाइट चली गई, तो सब लोग अभी मैं आई हूँ, अभी धीरे धीरे सब लोग निकल के आएंगे। और ये देखिए ये पके पके आम यहाँ पे गिरने लगे। सारे पेड़ आम के हैं, जामुन के हैं, यहाँ बहुत सारी बगिया है। और जहाँ मैं खड़ी हुई नीम का पेड़ है, तो नीम का बहुत ही अच्छा छाया है यहाँ पे, एकदम हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो ये देखिए यहाँ पे आम गिरने लगे पके पके। तो फ्रेंड ये देखिए हमारी बगिया है, और मैं अपने बगिये में आके बैठ गई हूँ। तो अभी मैं 2 आम पाई, दोनों खा ली। और इधर ये रहा देव, आओ देव। ये देखिए ये मेरा भतीजा, ये गुन्नू दीक्षा का भाई है, मेरी रानी है, मेरी सोनी, मेरी जान है। क्या क्या लगाया बेटा? क्या? तो ये सब लोग हम लोग बहनें इकट्ठा हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को अपनी बहनों से भी मिलाऊंगी। और ये देखिए मेरे पूरे मतलब आम है, चारों तरफ आम है, जामुन है, बहुत सारे पेड़ हैं चारों तरफ, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पापा बगिया लगाए थे, और जो कि अब इस दुनिया में नहीं है जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो देखिए इतनी ठंडी ठंडी हवा चले ना, ये नीम का पेड़ है, बहुत ही घना शीतला माता है इसमें, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है मेरा प्यारा सा माइका। फ्रेंड ये देखिए यहाँ पे बन रहा है सूप, और अभी शाम का टाइम हो गया, शाम को 4 बज रहे हैं। और इधर ये मेरी दीदी हैं जो बेंगलुरु में रहती हैं, और वो सूप बना रही हैं। ये देखिए सूप बन रहा है। इधर ये रही हमारी भाभी श्री, इनका नाम भी श्री और हमारी भाभी श्री। और ये रही लाडो, लाडो इसी का कल मुंडन है। लाडो लाडो बोलो बोलो लाडो बोलो। और वो रही हमारी सबसे बड़ी वाली दीदी, ये हमारी सबसे बड़ी वाली दीदी श्री हैं। ये देखिए जो धीरज की मम्मी हैं, पूछ रही है क्या है। और ये बाहर का सीन है, ये देखिए ये बाहर का पूरा नज़ारा है हमारे यहाँ का।
ये देखिए कुछ इस तरीके से पकड़ो इसको धीरज, ये देखिए ये देखिए सिवान से, ये पूरा बाहर का व्यू है, इतना सुंदर है ना। और उधर देखिए ये हमारा पूरा बगीचा है, मेरे द्वारे में पूरा मेरा बगीचा। इधर भी घर अभी गिरेगा फ्रेंड, ये घर अभी इतना बन गया है ये, और अभी ये वाला भी गिर के पूरा बनेगा, अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, स्टार्ट है बनना। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप, इसी तरीके से है मेरा छोटा सा प्यारा सा मायका, जो मेरी मम्मी का, जहाँ मेरा बचपन बीता है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है। तो अभी 5 साल हुए अलग घर जाने गए, पर बाकी तो टाइम मेरा पूरा यहीं गुजरा है। तो ये है कुछ मेरा छोटा सा परिवार, मम्मी अभी नहीं है, मम्मी भी कहीं नहीं हुई शायद, कल उसका मुंडन है तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं सब। तो चलिए फिर अभी मम्मी आएंगी तो मम्मी से भी मैं आप लोगों को मिलाती हूँ। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब, आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। और आज ये 3रा दिन है मेरी वीडियो का, पिछले 3 दिनों से मेरी वीडियो बन ही रही है, चल ही रही है, अभी तक एंड नहीं हुआ है। तो फ्रेंड आज है शुक्रवार और आज है मेरे भतीजी का मुंडन, जिसके लिए हम लोग आए थे। तो मुंडन में सब लोग चले गए हैं, मैं नहीं गई हूँ क्योंकि क्या हुआ था ना, थोड़ा देर हो गई बहुत ज़्यादा निकलने में, और थोड़ी सिवांश की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ, अभी ये रो रहा है, अभी सब लोग चले गए जो गाड़ी से, अभी ये भी रो रहा है कि मैं भी जाऊँगा, तो इसलिए मैं नहीं गई। सब लोग बहुत बोल रहे थे कि चलो चलो, क्या है कि सारे बच्चे जो है ना वो मेरे काबू नहीं आएंगे, क्या चलना है चलेंगे, सारे बच्चे जो है मेरे ही काबू में आएंगे, इसलिए मैं सारे बच्चों को लेकर घर पे हूँ। अभी आ जाएंगे, प्रोग्राम तो मुंडन के बाद जो होगा वो घर ही में होगा, वहाँ पर सिर्फ मुंडन करवा के चले आएंगे, बाकी प्रोग्राम यहीं पर होगा, इसलिए मैं नहीं गई आज शुक्रवार को। वहाँ पर जहाँ गए मुंडन को आने, वो बजरंग बली का स्थान है, तो मैंने सोचा है कि मैं कल जाऊंगी बजरंग बली का दर्शन करने, कल शनिवार है। कहाँ पे, वहाँ पे? अच्छा, तो मैं सोचा था मैं कल जाऊंगी बजरंग बली का दर्शन करने। तो ये कुछ इस तरीके से कहानी है, बाकी सब लोग तैयार हो चले गए। फ्रेंड मैं आप लोग अपने पापा को दिखाती हूँ, ये देखिए ये रहे मेरे पापा जो अब इस दुनिया में नहीं है। सच में आज उनकी बहुत ज़्यादा कमी, मतलब जब हम लोग आते हैं ना यहाँ तो एक लड़की को इतना, मतलब ऐसे लगता है कि मम्मी तो हैं। अगर हमारे पापा क्या था कि हम लोग जब आते थे तो बिल्कुल हम लोग बाहर ही मिल जाते थे बैठे, ये रहे। हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है सब। तो यही था कि पापा हम लोग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, लड़कियों से उनका ज़्यादा लगाव था। हम लोग 5 बहनें हैं तो 5ों बेटियों को, मतलब उनको ये था कि हमारी बेटी, अगर उनको ये था कि अगर हमारी बेटी आ गई है तो किसी चीज़ की उनको कमी, मतलब ऐसे लगता था कि कोई कमी नहीं है। अब आते ही पैर वैर धोना, बिल्कुल सच में बहुत पुण्य आत्मा थे वो, सच में गाइस वो बहुत ही ज़्यादा पुण्य आत्मा थे। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है तो उनकी कमी तो सदैव खलेगी, हमेशा खलेगी। बस रह गई है तो सिर्फ उनकी तस्वीर पे चढ़ा हुआ हार। जिंदगी भी क्या होती है ना, बहुत अजीब, मतलब कि क्या बोले। तो यही सब कहानी है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं अब यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अब अगली वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करूँगी। अब आगे जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी प्रोसेस होगा, उसको मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी अगली वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। क्या हुआ, थर्मस का पानी दे दो गुन्नू, इसको गिरा के। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ये बोल रहा है आप भी चलो। तो चलिए फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद।